Hi guys, welcome back to my channel. My name is Meenakshi Gupta. So, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं एंड आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं. सो आई हैव जस्ट कम्प्लीटेड 25 ईयर्स ऑफ माई लाइफ 4-5 मंथ्स बैक. सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो कि मैंने अपनी 25 ईयर्स की लाइफ में क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, गुड और बैड. सो मैंने बहुत रिसेंटली सीखी हैं, मैंने कुछ अप्लाई करी हैं अपनी लाइफ में, कुछ नहीं भी करी हैं जिनका रिग्रेट है मुझे अपनी लाइफ में. सो मेरे पास ओवरऑल 20 पॉइंट्स हैं आपको बताने के लिए कि आप भी अपनी लाइफ में वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हो. कम से कम एज में अगर आप कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, बट येस बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो. सो फर्स्ट थिंग है, चूज योर फ्रेंड्स वाइजली. आप अपने फ्रेंड्स बहुत सोच समझ कर बनाइए, यू नो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. बहुत डिसेंट अमाउंट्स ऑफ फ्रेंड्स बनाइए. बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है आपको, जितने लोग होंगे उतने ज़्यादा पंगे होंगे. सो कम दोस्त होंगे बट अच्छे होंगे. सो नंबर टू, यू डोंट नीड टू शेयर एवरीथिंग विद एवरी वन. डोंट रिलाई ऑन समवन, डोंट ट्रस्ट एवरीबडी अराउंड यू, बिकॉज आप इमोशंस में आके अपनी चीज़ें ईजिली शेयर तो कर देंगे बट वो जो दूसरे लोग होते हैं वो उनका फ़ायदा भी उठा सकते हैं और आपकी वीकनेस को यू नो समझ के और परेशान भी कर सकते हैं आपको. सो आप अपनी जितनी भी पर्सनल चीज़ें हैं वो सबको मत बताइए, कॉन्फिडेंशियल रखिए अपनी लाइफ में थोड़ी सी चीज़ें. नंबर थ्री, डोंट डिपेंड ऑन समवन, डोंट रिलाई ऑन समवन वेरी इजिली, बिकॉज अगर आप किसी दूसरे पर डिपेंड हो जाएंगे तो वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और आप अपनी पर्सनल लाइफ भूल जाएंगे. आप अपने पर्सनल यू नो एम और गोल्स को पीछे रख के आप पूरे उस पर डिपेंड हो जाएंगे. सो पूरा डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है आपको. हाँ, फ्रेंड्स रखिए, आप लोगों से शेयर करिए चीज़ें, बट किसी पर डिपेंड होना इट शुड नॉट बी इन योर पर्सनैलिटी. नंबर फोर, मेक योर डिसीजंस योर सेल्फ. आपको लोग एडवाइस करेंगे बट हमेशा अपने दिल की और अपने ही दिमाग की सुनिए. किसी के एडवाइस पे आप मत जाइए और हमेशा डिसीजंस ऐसे बनाइए कि आपको पता होने चाहिए कि उसके आगे के जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो क्या हो सकते हैं. सो हमेशा उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है वो सोच कर ही डिसीजंस बनाइए, बट डिसीजंस खुद ही बनाइए. नंबर फाइव, डोंट ओवर थिंक टू मच, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे तो वो आपको मेंटली सिक कर सकता है और बहुत से लोग हैं आज के टाइम पे जो ओवर थिंक करते हैं, इंक्लूडिंग मी. मैं भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ, बट जब भी मैं ओवर थिंक करती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा एन्जाइटी होती है और मेरा बीपी भी लो हो जाता है. सो डो नॉट ओवर थिंक टू मच, जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा या फिर वो आपको लेसन देके जाएगा. नंबर सिक्स, सो बी द फ्रेंड दैट यू वुड लाइक टू हैव. हमेशा दूसरों के साथ वैसे ही रहिए जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ हों. अगर आप किसी के अच्छे दोस्त बन के रहेंगे तो जाहिर सी बात है लोग आपके बहुत अच्छे दोस्त बन के रहेंगे, बट अगर आप दूसरों के साथ अच्छे नहीं हैं या फिर आप दूसरों के साथ बिहेव नहीं अच्छे से करते हैं तो कोई आपके साथ भी सेम बिहेव नहीं करेगा, बिकॉज कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे. सो हमेशा दूसरों के साथ अच्छे से रहिए ताकि लोग आपके साथ अच्छे से रहें. नंबर सेवन, सो ट्राई टू सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम बिकॉज यू नो द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. आप हमेशा यू नो आप अपने आप को हमेशा बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप कैसे हैं, आपका गुस्सा कैसा है, आप किन चीज़ों पर रिएक्ट कर सकते हैं. सो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं आप कोशिश करें कि आप खुद से सॉल्व करें, क्योंकि दूसरे जो होंगे वो आपको अलग अलग तरह के एडवाइस देंगे, लेकिन यू नो दूसरों के एडवाइस देने से ना आप और उलझते जाएंगे. सो आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करें, बिकॉज आपको पता है कि आप किस चीज़ से शांत हो सकते हैं, किन चीज़ों में आपको गुस्सा आ सकता है. सो कोशिश करिए कि आप अपने आप को यू नो खुद प्रॉब्लम से बाहर निकालिए. नंबर एट, सो नो द डिफरेंस बिटवीन सीजनल फ्रेंड्स एंड फॉरएवर फ्रेंड्स. सीजनल फ्रेंड्स वो होते हैं जो काम पड़ने पे आपके पास आते हैं जब उन्हें ज़रूरत होती है आपकी, या जब वो किसी चीज़ में फंसे होते हैं या उनको उन यू नो गलत सिचुएशन से बाहर निकलना होता है, वो सीजनल फ्रेंड्स होते हैं. और जो फॉरएवर फ्रेंड्स होते हैं वो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं. लाइक आप अगर बहुत यू नो बुरी कंडीशन में है या अच्छी कंडीशन में है, सक्सेसफुल है, फेल हो चुके हैं अपनी लाइफ में, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे. बट सीजनल फ्रेंड्स जो होते हैं वो सिर्फ आपको काम आने पे ही याद करेंगे. सो आपके अराउंड जितने भी फ्रेंड्स हैं आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सीजनल फ्रेंड्स है और कौन फॉरएवर फ्रेंड्स है. सो आपका लाइक आपको खुद से ही डिफरेंस ढूंढना है कि दोनों में से कौन कैसा है. नंबर नाइन, सो थिंग्स विल हैपन, सम ऑफ देम आर ब्लेसिंग्स एंड सम ऑफ देम आर लेसन्स इन योर लाइफ.
कुछ चीज़ें जो होंगी आपके साथ वो ब्लेसिंग्स की तरह होंगी, जैसे भगवान खुद आपके पास आके वो चीज़ें आपको देकर जा रहे हैं, और कुछ आपके लिए लेसन्स होंगी। सो कभी भी आपको बुरा नहीं फील करना है, क्योंकि लेसन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो फेलियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसी तरह से अगर आपको लाइफ में ब्लेसिंग्स चाहिए या फिर अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, सो लेसन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेगेटिव बिल्कुल भी फील नहीं करना है और हमेशा पंप अप रहना है। नंबर 10, सो यू विल नो योर फ्रेंड्स एट द टाइम ऑफ यू आर इन प्रॉब्लम, यू आर इन ट्रबल, एंड वो आपको आपके असली रंग दिखाएंगे, यू नो व्हाट आई मीन। नंबर 11, सेव मनी एज मच एज यू कैन। यस, सेव मनी एज मच एज यू कैन एज सून एज पॉसिबल एंड बाय थिंग्स फ्रॉम योर ओन मनी। आपको पैसे जोड़ना बहुत ज़रूरी है और हमेशा अपने ही पैसों से चीज़ों को खरीदे, सो दैट आप उसकी वैल्यू को समझ पाएंगे कि आपने एक एक पैसे जोड़ के कितनी मेहनत से ये चीज़ें खरीदी हैं। नंबर 12, सो ट्राई टू कैप्चर अ लॉट ऑफ फोटोज़। यस, आप बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करने की कोशिश करिए, बहुत सारे वीडियोस बनाइए, बिकॉज मैं पहले सोचती थी कि नहीं ये चीज़ें मुझे याद रहेंगी, बट कुछ नहीं याद रहता है, इसलिए बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करिए। एंड आई मेक अ लॉट ऑफ वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ वेर एवर आई गो, बिकॉज जब भी मेरा बुरा टाइम शुरू होता है तो मैं हमेशा पुरानी फ़ोटोज़ को देख करके खुश होती हूँ कि यस, मैंने ये समय भी बिताया है। सो यस, इसलिए आप भी बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किया करिए, बिकॉज आप वो बहुत हेल्प करती हैं आपको बुरे टाइम से निकलने में। नंबर 13, सो बी ऑन टाइम, बी पंक्चुअल, बिकॉज अगर ये समय एक बार निकल गया तो ये वापस नहीं आएगा, तो जो करना है आज करिए, कल के लिए कुछ भी मत छोड़िए। नंबर 14, सो जस्ट ट्राई टू सॉर्ट आउट थिंग्स एज मच एज यू कैन एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज अगर एक बार आपके हाथों से वो चीज़ें निकल जाएंगी तो आप बाद में रिग्रेट करेंगे कि आई विश मैंने ये मूव ले लिया होता और मैंने ये लड़ाई ख़त्म कर ली होती, बिकॉज एक बार जो चीज़ें हाथ से निकल गई वो निकल जाती हैं, वो कभी वापस नहीं आती हैं। सो जस्ट ट्राई टू सॉर्ट आउट थिंग्स एज सून एज पॉसिबल, एंड इस चीज़ का रिग्रेट मुझे हमेशा रहेगा, बिकॉज मेरा जो ईगो है वो बहुत बड़ा है हर चीज़ से, ये मुझे लगता था, बट येस, लड़ाई ख़त्म करने की कोशिश करिए। नंबर 15, सो डू नॉट टेक योर लव वंस फॉर ग्रांटेड, लाइक योर फैमिली, फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड्स, आपके लाइफ में कोई भी है आप उसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, बिकॉज अगर वो इंसान आपकी लाइफ से एक बार चला जाएगा तो आप पूरी लाइफ रिग्रेट करेंगे कि मैंने ये चीज़ क्यों करी। सो उस क्यों को स्पेस मत दीजिए अपनी लाइफ में, आप कभी भी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, बिकॉज वो आपकी लाइफ में आज है और शायद वो कल नहीं होंगी। सो ये चीज़ बहुत गलत होती है, आप फॉर ग्रांटेड मत लीजिए चीज़ों को। नंबर 16, सो देर इज़ अ पॉजिटिव साइड ऑफ एवरीथिंग, सो जस्ट डोंट लुक एट द बैड साइड, बिकॉज अगर आप सिर्फ गलत चीज़ों में ही ध्यान देंगे तो वो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा सिक कर देगा और आप परेशान रहना शुरू हो जाएंगे। सो जस्ट डोंट लुक एट द बैड साइड, हमेशा हर चीज़ का पॉजिटिव साइड भी होता है। अगर आप सोचेंगे कि चलो ठीक है फाइन, इस चीज़ को हटाते हैं और पॉजिटिव साइड देखते हैं, सो आप शायद लड़ाइयाँ कम होंगी आपके बीच में, किसी भी चीज़ में अगर आप पॉजिटिव साइड ढूंढ लेते हैं तो वो चीज़ें बहुत ईजिली हो जाती हैं। So just don't look at the bad side, go for the positive side. Number 17, so be patient, do not get irritated very very easily, because अगर लोगों को ये चीज़ें मालूम चल जाएंगी कि आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों में इरीटेट हो जाते हैं या आपको इरीटेट करना बहुत आसान है, तो वो आपको इरीटेट करना शुरू कर देंगे और आपको हर छोटी चीज़ में प्रोवोक करेंगे। सो जस्ट डो नॉट गेट इरीटेटेड वेरी वेरी ईजिली, बिकॉज वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है कम एज में या ज़्यादा एज में। इरिटेट होना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, सो अगर आप इरिटेट नहीं होंगे, पेशेंसली किसी चीज़ को हैंडल करेंगे तो वो आपके लिए भी अच्छा होगा और आप दूसरों को भी ये चीज़ बता सकते हैं। नंबर 18, सो नॉट एवरीथिंग नीड्स टू बी एक्सप्लेन, बिकॉज ये आपकी लाइफ है, आपका मन है तो आप एक्सप्लेन करो, अगर आपका मन नहीं है तो आप एक्सप्लेन मत करो, बिकॉज ये आपकी लाइफ है, आपकी मर्जी है आप किसको जस्टिफिकेशन देना चाहते हैं जिसको नहीं देना चाहते हैं। सो मेक योर ओन डिसीजंस, अगर आपको लगता है कि लोग आपके आसपास बहुत टॉक्सिक हैं तो आप कोशिश करिए कोई जल्द से जल्द उनको आप अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। नंबर 19, सो नो मैटर हाउ ओल्ड यू बिकम, बट नेवर ever let the kid inside you die, कभी भी अपने अंदर के बच्चे को मरने मत दीजिए, because अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो आप अपनी लाइफ को जीना भूल जाएंगे। आपकी लाइफ से छोटी छोटी चीज़ों में जो खुशियाँ मिलती है, जो खुशियाँ ढूंढ सकते हो आप, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। सो अपने अंदर के एक हैप्पीनेस को कभी ख़त्म मत होने दीजिए। नंबर 20, सो ऑलवेज ऑलवेज मैरी द पर्सन यू लव,
आपको लगता है कि आप जिसके साथ कंफर्टेबल हैं, आप जिसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उसी से शादी करिए, नो मैटर सोसाइटी क्या बोलती है. इफ़ यू आर हैप्पी सो थिंग्स विल गेट हैप्पी, राइट. और बहुत अच्छी एंडिंग भी होगी. सो यस, सो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही. और मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है, सो वो चीज़ें, बस वो एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है. आई होप आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आएगा. और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो में भर भर के लाइक और प्यार दीजिए और बहुत सारे कॉमेंट्स करिए, सो मुझे भी अच्छा लगेगा. सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय.